माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ। खंड एक, विभागीय पोर्टल के अनुसार 21/2/2023 को कुल 1,84,044 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 11,22,090, महिलाओं की संख्या 7,17,555 व अन्य 399 है। दिनांक 21/2/2023 तक कुल 6,22,043 आशार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें से वर्तमान में 1,90,873 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें 1,07,431 पुरुष व 83,442 महिला शामिल हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण प्रशिष्ट अ एवं ब पर उपलब्ध है। खंड दो, विभाग द्वारा बेरोजगारी की दर के आंकड़ों का संधारण नहीं किया जाता है। बेरोजगार आशार्थियों को पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य भी नहीं है। खंड तीन, जी हां, सरकार द्वारा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। जनवरी 2019 से 2023 तक 1,062 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों में 1,08,890 युवाओं को लाभान्वित किया गया, जिनमें से 87,173 बेरोजगार आशार्थियों का निजी क्षेत्र कंपनियों में प्राथमिक चयन किया गया, 6,363 आशार्थियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए तथा 15,354 आशार्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया। इसकी सूचना परिशिष्ट से पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18,04,044 ये आंकड़े बताए कुल बेरोजगारी के और लाभान्वित है 1,90,873। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो बाकी रह गए उनका क्या किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद जवाब आपने देखा नहीं, 1,90,000 लाभान्वित नहीं है, 1,90,000 का तो अभी लाभ चल रहा है। कुल लाभान्वित 6,22,043 हैं और शिक्षित बेरोजगार ही इसमें अप्लाई करना कर सकते हैं, तो लमसम 10,08,000 शिक्षित बेरोजगारों ने अप्लाई किया है। अप्लाई भी करना जरूरी है। 10,08,000 में से 2,65,000 आवेदन अपूर्ण थे, जिन्होंने अप्लाई किया उनको रिटर्न हो गए। 1,90,873 जिनका अभी बेरोजगारी भत्ता चालू है, 37,235 ही वो आवेदन हैं जो कि क्लियर हो गए हैं और उनको बेरोजगारी भत्ता अगले टर्म से 1 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा 2,00,000 की सीमा तक के अंदर, और मात्र 28,985 आवेदन जांच के लिए लंबित विभाग के पास में हैं। 4,32,300 लोग आशार्थी जो हैं वो 2 साल का बेरोजगारी भत्ता पाकर फ्री हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, और मात्र 54,395 आवेदन ही निरस्त हुए हैं। ये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की घोषणा थी, हालांकि मैं जो मुझे जवाब दिया है उस पूरा तरीके से पूर्ण नहीं है, लेकिन दूसरा एक मेरा प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में इन दिनों जितनी सरकारी और गैर सरकारी जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई उसमें दूसरे नंबर की सर्वाधिक बेरोजगारी बताइए 28.5%। तो क्या राजस्थान के माननीय मंत्री महोदय को इस बात का इल्म है कि राजस्थान की दूसरे नंबर की सर्वाधिक बेरोजगारी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि जब से बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनके 4-4 साल पुराने डेटा अपलोडेड हैं, पिछले 4 साल के डेटा अपलोड ही नहीं है, तो वो पीछे चल रहे हैं। जब से बेरोजगारी भत्ता 3,000, 3,500 और अब बढ़ाकर 4,000, 4,500 दिया गया, तब सब चाहे बेरोजगार हैं चाहे नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने अप्लाई कर दिया है, वो स्क्रूटनी होने के बाद पता लगता है। तो अप्लीकेशन लग गई है, ये बढ़ने का सबसे बड़ा कारण राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता 4,000 और 4,500 देना ही सबसे बड़ा कारण। अगला प्रश्न बलबीर सिंह रुद्रा, माननीय सदस्य, रिपोर्ट इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य,